नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। दोस्तों, पौधे चाहे आम के हो, चीकू के हों, या फिर लीची के हों, या आप कोई भी सब्जी हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, जिसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका ग्रोथ आपको देखते देखते आपका पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देगा। वैसे तो कई कारण होते हैं जिस कारण से पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। मैंने उन कारणों का कई बार आपसे जिक्र किया है। आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको ऐसी चीज़, ऐसे खाद शेयर बताऊँगी, आपको करूँगी, जिसको डालने से कैसा भी पौधा हो, कोई भी पौधा हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल वाला हो, या कोई फ्रूट हो, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, इन सब पर चर्चा होगी। तो चलिए चलकर वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, इन उर्वरक का अगर आप उपयोग करते हो तो आपको पौधे की ग्रोथ इस तरह से दिखाई देगी कि आप उसका प्रूनिंग करते करते थक जाओगे और फ्लावर और फ्रूट इसी तरह से आपको लदे हुए मिलेंगे। दोस्तों, चलिए मैं इसको आपसे शेयर कर दूं कि जैविक खाद इसको के रूप में आप इसको जानते होंगे, ये है ह्यूमिक एसिड। आपके पौधे के लिए क्या क्या फ़ायदे इससे मिलेंगे आपके पौधे को, आप देख रहे होंगे यहाँ कि इसमें लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी ये पौधे जो नहीं बड़े हो रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही और किन किन चीज़ों में क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपसे बात कर लूँ। तो दोस्तों, इसमें प्लांट का, पौधा का केवल ब्रांच ही नहीं बल्कि इसके पत्ते में भी ग्रोथ होगा। पत्ते भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे और सॉलिड आपको दिखाई देंगे, खूबसूरत दिखाई देंगे। साथ ही पौधे की ऊंचाई भी बढ़ेगी। जैसे आम, लीची वगैरह में आपको लगता है कि पौधे लाकर लगाए हैं तब से अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। इसके बाद फ्लावर नहीं आते हैं। अगर पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्रूट नहीं आ रहे हैं, कलियाँ गिर जा रही हैं, तो इस तरह से इसमें आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर सॉइल में इसको डालते हो तो सॉइल में नाइट्रोजन खींचने की, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, उसको खींचने की क्षमता को ये बढ़ा देता है, जिससे पौधे अच्छी तरह से सॉइल से, मिट्टी से नाइट्रोजन खींच लेते हैं। दोस्तों, साथ ही आपके फसल, चाहे आप जो भी फसल लगाए हो, वो फल फूल सब्जियाँ कुछ भी हो सकता है, उसकी पैदावार को ये बढ़ा देता है। तो आपके पौधे में जल धारण क्षमता बढ़ाता है, यानी जल यानी पानी को, वाटर को जब आप देते हो, और इस तरह से जब इसके सॉइल सूख जाते हैं तो आपका पौधा मरने लगता है। ये परेशानी गार्डनर की होती है। तो ये पौधे में जल धारण की क्षमता बढ़ा देता है, जिससे इस पर पौधे पर सूखे का असर नहीं होता है। दोस्तों, सॉइल में जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, इससे सॉइल का पीएच ख़राब हो जाता है और फिर पौधे पर इसका बुरा असर होता है। तो उससे भी ये आपको मुक्ति दिलवाता है, ये सॉइल के पीएच को नियंत्रित करता है, तो आपका सॉइल जो है वो बेहतर रहता है पौधे के लिए। दोस्तों, सॉइल की बात करोगे तो सॉइल में जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं उससे सॉइल की पीएच ख़राब हो जाती है। तो इसके सॉइल को अगर आप ह्यूमिक एसिड डालते हो, उपयोग करते हो, तो सॉइल के पीएच को ये नियंत्रित करता है, जो पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक। दोस्तों, सॉइल में जो विषाक्तता होती है उसको भी ये हटा देता है। साथ ही आप देखोगे कि सॉइल में जो शक्ति होती है, हर एक फर्टिलाइज़र आपके सॉइल में मौजूद होता है लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाते हैं, तो ये पौधे का को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि सॉइल में जो भी फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक है उसको ये आसानी से खींच सके। दोस्तों,
फल यानी सारे फल की बात मैं कर रही हूँ, चाहे आम, लीची, अमरूद, नींबू, संतरा, अंगूर, केला, कोई भी हो। तो जब उसके पौधे आप लगाएं तो 15 दिन तक अंतराल पर इसका उपयोग करें। कोई भी फल हो लगाने के 15 दिन के बाद 15 दिन पर आप इसका उपयोग करें, पौधा में ग्रोथ आपका बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और बात कर लूँ, फल का जो कोशिका भित्ति होता है उसको ये स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे कि फलों में भंडारण की काफ़ी व्यवस्था हो जाती है और आपके फल बड़े साइज में भी बड़े होते हैं और स्वादिष्ट भी होते। दोस्तों, मुझे नज़र आ गई कि इसके बहुत सारे लीव्स ख़राब नीचे से हो रहे हैं, तो थोड़े से मैं हटा दे रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो इसके सॉइल होते हैं, जिस सॉइल में आपने पौधे को लगा कर रखा है, उसमें बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके पौधे के लिए लाभदायक होते हैं, तो उनकी संख्या हम चाहते हैं कि बढ़ती रहे। ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो छोटे से पॉट में है, तो मैं इसका कुछ लीव्स को हटा दे रही हूँ जो इसके पौधे की सुंदरता को ख़राब कर रहा है। तो ये सूक्ष्म जीव को जब आपका बढ़ा देगा सॉइल में, तो आपका सॉइल ज़्यादा पौधे के लिए लाभदायक हो जाए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि कितनी मात्रा किस में डालनी है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाली है। 5 लीटर में आपको होमिक एसिड का 1 चम्मच देना है। अब जब मैंने 5 लीटर नहीं, मैंने 2 लीटर ली है, तो आप देख रहे होंगे कि आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम है, यानी 2 लीटर में आधी चम्मच मैं इसमें होमिक एसिड मिला रही हूँ। और इसको डालकर अच्छी तरह से इसमें घोलकर मिला दें। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद आप हर एक पौधे में और हर मौसम में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हर एक पौधे में और हर मौसम में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा मौसम है। साथ ही सॉइल को अच्छी बनानी है तो सॉइल में भी इसका छिड़काव कर दें। और दोस्तों, मैंने एक बात आपसे की नहीं कि ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, छोटे छोटे दाने के रूप में भी मिलता है और साथ में पाउडर के रूप में भी मिलता है। आप जिस चीज़ का चाहे, जिस तरह का चाहे, उस तरह का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे की ग्रोथ के लिए, पत्ते और ब्रांच के ग्रोथ के लिए आपको अगर आप 75% NPK रखते हो और 25% उसमें ह्यूमिक एसिड मिलाकर स्प्रे करते हो, तो ये आपके ब्रांच को, पत्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, सॉइल में अगर क्षमता बढ़ानी है, इसमें सूक्ष्म कीड़े बढ़ाने हैं लाभदायक, तो आपको 10 ml 1 लीटर में डालकर और इसका सॉइल में मिलाना है। मैं तो स्प्रे में डाली हूँ, तो स्प्रे से ही कर दे रही हूँ। आप घोलोगे तो इसमें सॉइल में सीधे डायरेक्ट मिला दे सकते हो। दोस्तों, पौधे के ग्रोथ के लिए, और इसमें से आप देख रहे हैं इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, तो इसको 250 ml 1 लीटर पानी में डालकर आप इसमें सॉइल में भी स्प्रे करें और आप पत्ते पर भी इसका स्प्रे कर दिया करें। दोस्तों, सॉइल में जो NPK आयरन और जिंक है, सॉइल में पहले से मौजूद है, या आपने कोई फर्टिलाइज़र दी है और उसका उपयोग पौधे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस हालत में अगर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो वो आपके पौधे को इस लायक बनाता है कि वो NPK, जिंक, आयरन, ये सबको पौधे में अंदर की तरफ खींच सके, ले सके, जड़ की वृद्धि करता है और पौधे को उत्तेजित कर देता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण करने में शर्करा का उपयोग कर सके, क्लोरोफिल पौधे में बढ़ा देता है, एमिनो एसिड
बढ़ा देता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। दोस्तों, ये रोग रोधन क्षमता आपका पौधे का बढ़ा देता है, जिससे कि आपके पौधे में बीमारियां नहीं लगती है। फल फूल और सब्जी की क्वालिटी को सुधार देता है। तो इस तरह से जो पौधे आपके बढ़ नहीं रहे हों, फल फूल नहीं दे रहे हों, या उसमें से फूल गिर जा रहे हों, तो उस पर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर आप फल सब्जियां या फ्लावर अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसी के साथ चलूँगी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।